हर वर्ष पासवा के द्वारा, पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, ये शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित की जाती है। इस साल भी, इस वर्ष भी हम लोग 22 सितंबर को हम लोग दीक्षांत मंडप पे ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें रांची और जितने भी स्टेट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से उसके शिक्षकों को हम लोग सम्मानित करेंगे। इसका आयोजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे द्वारा होता है, और इसके साथ ही हमारे सहयोगी किशोर सर हैं, और हमारे साथ राजेश सर, और हमारे जितने पासवा के वॉलेंटियर्स हैं, ये सारे स्कूल्स में जाकर के इनविटेशंस दे रहे हैं। सारे स्कूल्स के शिक्षक को एज वेल एज प्रिंसिपल डायरेक्टर्स को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को कभी भी सम्मानित नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि सरकारी स्कूल्स के शिक्षक को सम्मानित किया जाता है, उनके लिए कार्यक्रम की आयोजन होती है। इस साल भी हर वर्ष की तरह हमारे पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की जा रही है, और हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग इस बार का कार्यक्रम को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू। फलक हेलो, फाते हैं। देखिए, पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित करती है। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, लगातार 5 वर्षों से कर रहे हैं। इस वर्ष 22 सितंबर को दीक्षांत मंडप मोराबादी रांची विश्वविद्यालय परिसर में 3,000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राइवेट स्कूलों के वैसे शिक्षक जो सीमित संसाधन में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षित करते हैं, ऐसे शिक्षकों को हम सम्मानित करेंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी उद्घाटन करेंगे। माननीय वित्त मंत्री, पासवा के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत मंडप में कार्यक्रम की सफलता को लेकर पासवा के वॉलेंटियर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों में हम जा रहे हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रहे हैं। स्कूल उन नंबरों पर अपना रजिस्ट्रेशन 19 तारीख तक करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य भर के जिला अध्यक्ष पासवा के कई स्कूलों के शिक्षाविद मौजूद रहेंगे, कुछ प्रदेशों के पासवा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। गणमान्य अतिथि सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस आयोजित करते हैं, उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी। स्कूल के जो बच्चे हैं अपने शिक्षकों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आहूत करेंगे और शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। मेडल एवं सर्टिफिकेट से हम शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए स्वरुचि भोजन का भी इंतजाम करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और फेलिसिएशन के लिए, सम्मान करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क हम लोग नहीं लेते। हम आपस में सहयोग करके इस आयोजन को करते हैं। इसके लिए किसी को कोई रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करेंगे सभी स्कूलों के प्राचार्यों से, डायरेक्टर से, कि आप अपने स्कूल के शिक्षकों की सूची 19 सितंबर तक हमें उपलब्ध करा दें, ताकि हम उसकी औपचारिकताओं को पूरी कर सकें। शिक्षकों में उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर, खासकर जो छोटे छोटे स्कूल हैं जिन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है, वो इस सम्मान को पाकर काफ़ी उत्साहित होते हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में जो छोटे छोटे स्कूल हैं, जो सीमित संसाधन में, जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है ऐसे कार्यक्रम से, और उत्साह होकर वो और ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए पासवा का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से होगा और पासवा का शिक्षक सम्मान समारोह एक बार फिर इतिहास रचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, इसमें सभी राज्य के, राजधानी के सभी स्कूल, छोटे बड़े सभी स्कूलों के टीचर्स प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होते हैं, ताकि शिक्षकों को एक सूची बनती है और उसके माध्यम से फिर हम सम्मानित करते हैं।
मैं निवेदन करूंगा लाल किशोर नाथ सहदेव जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो अपनी बातों को शिक्षक सम्मान समारोह के संदर्भ में रखें। देखिए जिस कार्यक्रम के बारे में इन्होंने बताया है वो कार्यक्रम का आयोजन काफ़ी भव्य रूप से होगा। पहले भी पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने 5000 से भी अधिक शिक्षकों को एक बार में सम्मानित करने का काम किया। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 3000 से 4000 शिक्षक को हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं जो 22 तारीख को आयोजित होगा और दीक्षांत मंडप रांची विश्वविद्यालय का मोराबादी में है वहाँ पर यह कार्यक्रम होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि 19 तारीख तक हम सूची ले रहे हैं इसमें सम्मिलित होने वाले शिक्षकों का। आपने कहा था कि कौन कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने शिक्षक इसमें सम्मिलित होंगे। जो सीमित संसाधन में अब लोगों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वैसे शिक्षक और शिक्षिका दोनों को हम लोग सम्मानित करके प्रोत्साहित करते हैं ताकि बच्चों का भविष्य आने वाले बच्चों का भविष्य का निर्माण हो सके। और इसका भव्य आयोजन होगा और हमारे जैसा कि बताया गया कि राज्य सरकार के एक तो इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे शिक्षा मंत्री हैं बैजनाथ राम जी और वित्त मंत्री जी हैं डॉक्टर रामेश्वर राव जी, ग्रामीण विकास मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी साहब और भी कई शिक्षाविद जो कई स्कूल के प्राचार्य होंगे प्रोफेसर्स होंगे तो ऐसे लोग भी जो है हम लोग उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। उन लोग भी अतिथि के तौर पर रहेंगे और एक अच्छा का आयोजन होगा। पहले भी इसका आयोजन लगातार किया जाता रहा है जिसका असर दिखाई पड़ता है कि कैसे प्रोत्साहन मिलने के बाद शिक्षक और उत्साह के साथ जो है शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों के बीच। तो आने वाले 22 तारीख को ये एक सफल आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी संस्था आलोक दुबे जी के नेतृत्व में पहले भी करती आई है। आपने देखा होगा कि अभी जो 10th और 12th का रिजल्ट निकला था उसमें 20,000 लगभग बच्चों को सम्मानित हम लोग खेलगांव के स्टेडियम में किया था। और वही शिक्षक जो बच्चों को तैयार करते हैं उनके सम्मान में भी हमारी जो संस्था है पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन वो आयोजन करने जा रही है। और इस धरती में जो भी मानव इंसान जो जन्म लेते हैं हमें लगता है कि जो पहला गुरु होता है घर के बाद वो शिक्षक ही होते हैं। और उन शिक्षकों को सम्मानित करना इस समाज इस देश के एक एक चीज को उस मुकाम पर पहुंचाने की सोच है हमारे संस्था को कि उन शिक्षकों को हम लोग सम्मानित करेंगे जो बच्चों को तैयार करते हैं और देश के लिए जो बच्चे तैयार होकर अलग अलग क्षेत्रों पर अपना कार्य करते हैं। तो हमें लगता है कि ये तैयारी जो हम लोगों के द्वारा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं हमारे जो साथी हैं वो सैकड़ों की संख्या में हैं। अलग अलग स्कूलों से अलग अलग जिलों पे जाकर जो हमारे यूनिट्स जिला यूनिट्स हैं वो लोग काफ़ी एक्टिव हैं और सब लोग अलग अलग स्कूलों से संपर्क करके राज्य स्तरीय जो शिक्षक सम्मान समारोह जो हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं वो काफ़ी भव्य और ऐतिहासिक होगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारी संस्था बनाई है वो शिक्षकों को सम्मानित करना अपने आप पर एक गर्व की बात है और इस देश समाज इस राज्य के लिए भी गर्व की बात होगी कि मैं उन शिक्षकों को सम्मानित करने जा रहा हूँ जिनके द्वारा देश का निर्माण में बहुत सारी योगदान रहती है।